अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको देने जा रही हूँ झटपट से बनकर तैयार हो जाने वाला मसालेदार कीमा कढ़ाई बनाने की रेसिपी। ये बिल्कुल होटल जैसा बनकर तैयार होता है, जो कि टेस्ट में बहुत ही चटखारेदार होता है और बहुत ही मसालेदार बनकर तैयार होता है। इसका टेस्ट इतना ज़्यादा लजीज होता है कि आप घर की दावत पार्टीज़ में, एक्स्ट्रा डिश में भी इसको बना सकती हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब इस ऑयल में मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज़ को कट करके इसमें ऐड किया है और 2 बड़े साइज़ के प्याज, 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसमें रफली चॉप करके ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। इसका हमें ज़्यादा कुछ कलर चेंज नहीं करना, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। तो इसको सॉफ्ट करने के लिए 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर मैं इसको कवर करके कुक कर लूँगी। खाली बस ये प्रोसेस कर लेने से कीमे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और हमारे कीमे का टेस्ट किसी मटन और चिकन से कम नहीं लगता। तो यहाँ पर इसको कुक होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। इसने जितना भी पानी रिलीज़ किया है, इसको हमें हाई फ्लेम पर ड्राई कर लेना है और सिंपली इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेना है। तो जब तक यहाँ पर ये ठंडा हो रहा है, दूसरी तरफ हम कीमे को फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत जल्दी से बन जाने वाला कढ़ाई कीमा बना रहे हैं, तो इसको हम मैरिनेट वगैरह नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक वेसल में मैंने 1/4 कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करके साबुत मसाले ऐड करे हैं। साबुत मसालों में मैंने 1 से 2 तेज़ पत्ते इसमें ऐड करे हैं। 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ऐड किया है। 1 बड़ी वाली काली इलायची ऐड करी है। 2 छोटी इलायची ऐड की हैं। 1 टीस्पून जीरा, 5 से 6 लौंगे और 20 से 25 मैंने काली मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। साबुत मसालों को ऑयल में 30 से 35 सेकेंड फ्राई कर लीजिएगा, जिससे साबुत मसाले ऑयल में अपनी खुशबू और फ्लेवर रिलीज़ कर देंगे। अब मैंने यहाँ पर 1/2 किलो मोटा कूटा हुआ कीमा वॉश करके ऐड कर दिया है इसमें। आप चाहे तो महीन कूटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। मुझे थोड़ा मोटा कूटा हुआ कीमा पसंद है, इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा मोटा कूटा हुआ कीमा लिया है। कीमे को भी हाई फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके कुक कर लेंगे, जिससे कीमे की कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद हम इसमें पाउडर्ड मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कीमे को 4 से 5 मिनट कुक कर लिया है। अब मैं फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच कर दूंगी। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर दिया है। अब इसमें हम कुछ पाउडर्ड मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, जो कि टोटली ऑप्शनल है, बस इससे कलर बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मैं ऐड करती हूँ। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मीट मसाला पाउडर लिया है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक मिर्च को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर पाउडर्ड मसाले मैंने कीमे में ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद मीडियम फ्लेम पर इसको कवर करके हम टेंडर होने तक कुक कर लेंगे। कीमे को गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 10 से 15 मिनट कवर करके कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको टेंडर करने के लिए मुझे इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं लग रही है, क्योंकि कीमा और अदरक लहसुन ने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो गए हैं, मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको कुक कर लिया है और इसमें से पानी भी ड्राई हो गया है, कीमा भी टेंडर हो गया है और मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ग्राइंड की हुई टमाटर, प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर हमारी टमाटर, प्याज, मिर्च ऑलरेडी कुक्ड हैं, बस इसको हमें कीमे में और मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाने तक कुक कर लेना है। तो बस 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैं इसको अच्छे से मिक्स करते हुए कुक कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसको कवर करके कुक करूँगी। अब इसको मैं 10 से 12 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर करके कुक कर लूँगी, जिससे हमारे कीमे में अगर थोड़ी बहुत भी कसर होगी तो वो अच्छे से कुक हो जाएगा और प्याज टमाटर वगैरह भी अच्छे से कुक हो जाएंगे। तो यहाँ पर 10 से 12 मिनट हो गए हैं और बहुत ही अच्छी सी मसाले भुन जाने की खुशबू आ रही है इसमें से। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून फ्रेश दही ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा रखा हुआ यानी कि बहुत खट्टा दही इसमें ऐड मत कीजिएगा। यहाँ मैंने फ्रेश दही का यूज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं होता है। अब मैंने यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च को बीच से कट करके इसमें ऐड किया है। इसी के साथ मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी ऐड की है। अब मैं इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं।
अब इसको मैं कवर करके सिर्फ 2 से 3 मिनट और कुक कर लूँगी, जिससे दही, हरी मिर्च और कसूरी मेथी का टेस्ट भी इसमें आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑयल भी सरफेस पे आ गया है और ग्रीन चिलीज भी हमारी सॉफ्ट हो गई हैं। तो यहाँ पर हमारा होटल स्टाइल कीमा कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। इसको हमें सिंपली डिश आउट कर लेना है। बहुत ही चटपटा, चटखारेदार और मसालेदार बनकर तैयार होता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को ये डेफिनेटली बहुत पसंद आने वाला है। तो अगर आपको रेसिपीज ट्राई करने के बाद अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिएगा। या अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन का बटन है उसको ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेने से आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आपसे कोई भी मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिस नहीं होंगी, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। तो काइंडली इसको जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।